खबर पिपरिया से है, जहां सरकार एक और शिक्षा पर लाखों रुपए का बजट आवंटित करती है, पर यदि भवनों का रखरखाव उचित नहीं होगा तो वहां पर पढ़ने वाले छात्र छात्राएं और शिक्षक सुरक्षित नहीं। हालत यह है कि शासकीय लक्ष्मीबाई कन्याशाला रेलवे फाटक पिपरिया स्कूल की छतों से पानी के साथ साथ छत से प्लास्टर भी झड़ रहा है। पूरा भवन नमी व गंदगी युक्त हो चुका है। अभी निर्वाचन के समय सुरक्षात्मक रूप से छतों पर प्लास्टिक पन्नी डाली गई। क्या ये प्लास्टिक स्कूल शिक्षा और स्कूल भवनों का पोल नहीं खोलती? यहाँ लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, वहाँ चंद रुपए की पानी डालकर स्कूलों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। यही कारण है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते हैं। अभी स्कूल में कुल बच्चों की संख्या पहली से लेकर पांचवी तक 67 है। नमस्कार, मैं राकेश सोनी। आज हम उपस्थित हैं पिपरिया के लक्ष्मीबाई कन्याशाला में। यहाँ आके देखा हमने कि यहाँ कितनी स्कूल की कितनी बड़ी समस्याएं हैं। यहाँ के हमने प्रिंसिपल मैडम से मिले, उनसे समस्याएं जानी, और चलिए उनसे खुद जानते हैं कि और क्या क्या समस्याएं हैं स्कूल की। बताइए मैम कि क्या क्या समस्याएं हैं आपकी। हमारे स्कूल की जो छत है लक्ष्मीबाई कन्याशाला की, उससे पानी टपकता रहता है और बहुत अधिक मात्रा में सीपेज हो रहा है। इससे बच्चों को बैठने में परेशानी हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में परेशानी हो रही है। हमेशा उनको ये खतरा रहता है कि कहीं छत नीचे ना गिर जाए। तो हम लोग अभी एक कमरा हमारा पूरा डैमेज हो चुका है, तो हमने उसको खाली कर दिया है और हाल में हमारी 3 कक्षाएँ संचालित हो रही हैं, और इस तरह से हमको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल में अभी कितने बच्चे हैं टोटल? अभी हमारे स्कूल में लगभग 65 बच्चे हैं। 65 बच्चे हैं पहली से लेकर 8वीं क्लास तक। हाँ जी। तो ये समस्या है स्कूल की, जहाँ की स्कूल में लोग एडमिशन करवाने को तैयार नहीं है अपने बच्चों का, क्योंकि ये स्कूल की ये हालत है तो लोग कैसे कराएंगे एडमिशन। ये एक बहुत बड़ा प्रशासन की लापरवाही है, जो कि अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने अभी तक किसी से शिकायत की इस बात की? हमने हमारे अभी चुनाव के पहले जो भी अधिकारी आए हैं उनको इस बात से अवगत कराया है कि हमारे स्कूल की छत बहुत डैमेज है। तो चुनाव के समय में ऊपर छत पर पन्नी बांध दी गई है, 2 कमरे में, एक हाल में और एक कक्ष में जिसमें चुनाव बूथ बना हुआ था। दोनों जगह बूथ बने हुए थे, उसमें पन्नी लगा दी गई है। आप कुछ बता रहे थे आपकी कोई दीवार भी गिर गई थी अभी। हाँ, ये पीछे बाहर जहाँ बच्चे टॉयलेट के लिए जाते हैं तो वहाँ मतलब दीवार गिर गई थी, तो जिसका मतलब आधी आधी दीवार अभी उठी हुई है, आधी अभी भी नहीं उठी हुई है। तो उससे बच्चों को भी मतलब, चूँकि छात्राएं भी पढ़ती हैं इस स्कूल में, तो टॉयलेट की परेशानी है। तो ये मैं चाहूँगी, शासन से अपेक्षा करूँगी कि एक टीन सेट यदि वहाँ हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है, बच्चे बारिश में गीले भी नहीं होंगे और बच्चों की एक समस्या सार्वजनिक रूप से हल हो जाएगी। तो हमने जाना कि स्कूल की क्या क्या समस्याएं हैं, और प्रिंसिपल मैडम का कहना है कि आपके चैनल द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।